नमस्कार दोस्तों, मैं राम कृष्ण आप सबका हमारे YouTube चैनल आपके जी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद थोड़ी मस्ती और थोड़ा ज्ञान है। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को मस्ती के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं बताऊँगा कि जामुन खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जामुन एक सदाबहार वृक्ष है जिसके फल बैंगनी रंग के होते हैं। यह वृक्ष भारत एवं दक्षिण एशिया के अन्य देशों एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसे विभिन्न घरेलू नामों जैसे जामुन, राजमन, काला जामुन, जमाली, ब्लैकबेरी आदि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति में यह अम्लीय और कसैला होता है और स्वाद में मीठा होता है। अम्लीय प्रकृति के कारण सामान्यतः इसे नमक के साथ खाया जाता है। प्रति 100 ग्राम में 1 से 2 मिलीग्राम आयरन होता है। इसमें विटामिन बी, कैरोटीन, मैग्नीशियम और फाइबर होते हैं। स्वास्थ्य के लिए जामुन का कई तरह से उपयोग किया जाता है। जामुन का प्रयोग कई सारी बीमारियों के उपचार में किया जाता है। गर्मियों के दिनों में जामुन के सेवन करने से लू नहीं लगती है। यह कैंसर की संभावना को कम करने में भी काफ़ी मददगार होता है। मधुमेह के उपचार में भी जामुन का उपयोग किया जाता है। जामुन खाने से शुगर के रोगी को फ़ायदा होता है। यह रक्त के अंदर शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ के रोगी को रोज़ाना 100 ग्राम जामुन सेवन करना चाहिए। जामुन की गुठली ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी काम आती है। पेट की समस्याओं को दूर करने में भी जामुन का उपयोग किया जाता है। पेट से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए जामुन फायदेमंद है। रोज़ सुबह जामुन खाना खाने के बाद खाने से पेट साफ होता है। पेट के अंदर ऐंठन की समस्या दूर करने के लिए जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से दूर होता है। एनीमिया के उपचार में भी जामुन का उपयोग किया जाता है। जामुन हमारे शरीर के अंदर खून की कमी को दूर करते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर खून की कमी हो उसे जामुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जामुन के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। मसूड़ों के लिए भी लाभकारी होता है जामुन। जामुन के पत्ते मसूड़ों के लिए फायदेमंद है। यदि मसूड़ों के अंदर खून आता है तो जामुन की गुठली पीसकर नमक के साथ मसूड़ों पर लगाने से फायदा होता है। यदि मसूड़ों के अंदर सूजन आ रही है तो जामुन के पत्तों को उबालकर कुल्ला करना चाहिए। यदि मुंह के अंदर दुर्गंध आ रही है तो जामुन के पत्ते चबाना चाहिए। लीवर के लिए भी लाभकारी होता है जामुन। यदि लीवर के अंदर किसी प्रकार की समस्या है तो सुबह शाम जामुन का रस पीना चाहिए, जिससे लीवर की समस्या ठीक हो जाएगी। पथरी के उपचार में भी उपयोग होता है जामुन का। यदि किसी व्यक्ति को पथरी की समस्या है तो जामुन के बीज का पाउडर दही के साथ मिलाकर खाने से पथरी की समस्या भी दूर हो जाती है। अगर गठिया के रोग से आप परेशान हैं तो उसके उपचार में भी जामुन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को गठिया होता है उसे जामुन की छाल को पीसकर जोड़ों पर लेप जामुन करने से सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बच्चों के लिए भी लाभदायक होता है। यदि बच्चों को दस्त की समस्या हो तो जामुन की ताजी छाल को पीसकर बकरी के दूध के साथ मिलाकर पीने से लाभ होता है। यदि बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो जामुन का चूर्ण खिलाने से लाभ होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जामुन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।